केन्या की राजधानी नैरोबी में एक एयरपोर्ट के कर्मचारियों को हड़ताल पर बैठना महंगा पड़ गया। सैनिकों की तादाद में ये कर्मचारी वहां के नेशनल एयरलाइन को एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिलाने का विरोध कर रहे थे, जिसके दौरान वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें एयरपोर्ट से खदेड़ना शुरू कर दिया। आरोप है कि सरकार ने उन्हें भगाने के लिए सेना की भी मदद ली। सुरक्षा बल के जवानों ने उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे। पुलिस से झड़प में हड़ताल पर बैठे कई कर्मचारी जख्मी हो गए। वहां के अधिकारियों ने हड़ताल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। When you have a job, there's no nobody has free to pay your salary. Nobody has given you a threat. हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने आशंका जताई कि केन्या के नेशनल एयरलाइन को एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलाने पर उनकी नौकरी जा सकती है। हालांकि उनकी हड़ताल की वजह से सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर ही फंस गए। Heading to Ethiopia, so I'm trying to get on a flight, but I see everything's closed. करीब एक दिन तक चली हड़ताल की वजह से कई विमानों की उड़ान रद्द करनी पड़ी। हालांकि बाद में वहां के यूनियन ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी।